महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में पार्टी के शाखा प्रमुखों की बैठक की और इस मीटिंग में उन्होंने बीजेपी पर करारा प्रहार किया। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को चोर पार्टी कहते हुए निशाना साधा है। उन्होंने हमारी पार्टी तोड़ी है लेकिन हम नहीं टूटे। हम मोदी से ऐसे लड़े कि उनके पसीने छूट गए हैं। उद्धव ठाकरे ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वो मुंबई में आना चाहते हैं तो प्रचार के लिए आए, हम उनकी बची हुई गर्मी भी निकाल देंगे। उद्धव ठाकरे कभी बीजेपी के प्रमुख सहयोगी हुआ करते थे लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद रिश्ते बिगड़े और दोनों के रास्ते अलग हो गए। जिस तरह से बीजेपी की आलोचना की वो सही है। जिस तरह से मुंबई की चोरी की जा रही है, मुंबई की तिजोरी की चोरी की जा रही है, मुंबई की जो जमीन है उसकी चोरी की जा रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक चोर पार्टी है, सही है। अभी पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह जब मुंबई गए थे तब उन्होंने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब क्लब का सदस्य बताकर निशाना साधा था। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अब आज बारी उद्धव के पलटवार करने की थी तो उन्होंने सीधे निशाने पर पीएम मोदी को लिया। उद्धव ठाकरे ने शिवसैनिकों को कहा है कि जिनको जाना है वो खुलकर जाए, भीतर रहकर दगाबाजी ना करे। भाजपा को ऊपर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि जितने मेरे साथ शिवसैनिक है उतने लेकर लड़ूंगा और जीतूंगा भी। आज उद्धव ठाकरे का रवैया कुछ आक्रामक दिखा, इसलिए उन्होंने शिवसैनिकों को जाते जाते भाजपा को गाड़ देने की सौगंध भी दे दी। उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं की मीटिंग में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के उस दावे का भी जिक्र किया जिसपे उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर आदित्य ठाकरे को जेल भेजने की साजिश का आरोप लगाया था। उद्धव ने फडणवीस को लेकर इस मीटिंग में कहा कि या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा। अनिल देशमुखांनी सांगितले की कसं मला आणि आदित्यला तुरुंगात टाकण्यासाठी या फडणवीसाचे डाव होते। सगळं मी सहन करून चिंतेने उभा राहिलेला आहे, तर तू तरी राशील तर मी तरी राहील। उद्धवजी, आप जब मुख्यमंत्री थे तब देवेंद्र जी को झूठे केस में डालकर जेल में डालने की जो साजिश आपने रची वो कैमरा में बंद है, पेन ड्राइव में बंद है। और इस प्रकार से महाराष्ट्र की सेवा करने वाले और विकास करने वाले नेतृत्व पर लांछन लगाकर उनको खत्म करने की बात, ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाले व्यक्ति के मुंह में कभी हो ही नहीं सकती। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना 4 अगस्त से 11 अगस्त तक प्रदेश में भगवा सप्ताह मनाने जा रही। उद्धव ठाकरे की कोशिश यही है कि भगवा सप्ताह के दौरान उनके कार्यकर्ता घर घर जाए और उनका मशाल चिन्ह है उसके बारे में लोगों को बताए। हर विधानसभा क्षेत्र से करीबन 50,000 सदस्य बनाने की देखील उन्होंने मांग की है। उसके बाद देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी है। महाविकास आघाड़ी से तीनों पार्टियों से दो दो सदस्य मिलकर एक कमेटी बनाई है जो आने वाले विधानसभा चुनाव में समन्वय रखेगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.